आप सभी जानते हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन बीते दिनों अपनी फिल्म पुष्पा को लेकर सुर्खियों में थे। अभिनेता की इस फिल्म को देश भर में काफी पसंद किया गया था। फिल्म में अल्लू के अभिनय और शानदार डांस मूव्स को हर किसी ने सराहा था। फिल्म के पहले भाग की सफलता के बाद अब फैंस बेसब्री से इस फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच हाल ही में अभिनेता अल्लू अर्जुन पर एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। खबरों के मुताबिक एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने भ्रामक प्रचार यानी एड में गलत जानकारी देने के आरोप में अल्लू अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल अल्लू अर्जुन ने 6 जून को IIT और NIT के रैंकर्स के बारे में जानकारी देते हुए श्री चैतन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एक एड को प्रमोट किया था। अब इस पर सोशल वर्कर कोठा उपेंद्र रेड्डी ने आरोप लगाया है कि ये एड भ्रामक है और समाज को गलत जानकारी देता है। सामाजिक कार्यकर्ता ने अंबरपेट पुलिस के पास अल्लू अर्जुन के खिलाफ झूठी जानकारी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई और इस केस में कार्रवाई की मांग की। बता दें इससे पहले रैपिडो कंपनी के एक प्रचार पर TSRTC ने आरोप लगाया था कि उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया है। TSRTC के CEO VC सज्जनार ने बाइक टैक्सी ऐप रैपिडो और अल्लू अर्जुन को भी चेतावनी दी थी कि वो उन्हें कानूनी नोटिस भेजेंगे। वहीं अल्लू अर्जुन पहले भी Zomato को एंडोर्स करने के लिए विवादों का सामना कर चुके हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो साउथ सुपरस्टार आखिरी बार अपनी फिल्म पुष्पा द राइज में नजर आए थे। उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो अल्लू अर्जुन जल्दी पुष्पा फिल्म के सेकंड पार्ट की शूटिंग शुरू करेंगे। इसके अलावा उनके पास वेणु श्रीराम के साथ आइकॉन, कोराटाला शिव, AR मुर्गडॉस, बोयापति श्रीनु और प्रशांत नील के साथ साथ एक फिल्म है। तो अल्लू अर्जुन के इस एड पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइए।